हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप बिना मेकअप के भी नेचुरल लुक में भी आप बहुत स्टाइलिश दिख सकते हो। तो इस नेचुरल लुक को आपने किस तरह से करना है ये आप आगे वीडियो में देखोगे। अगर आप वर्किंग हो तो वर्किंग में इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया जाता है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप लुक किया जाता है। सभी को मेकअप करना नहीं आता है या किसी सभी को मेकअप पसंद भी नहीं होता इतना ज़्यादा। तो आप नेचुरल किस तरह से अपने मेकअप को क्रिएट कर सकते हो उसमें भी आप बिल्कुल स्टाइलिश देख सकते हो, ये आप आगे वीडियो में देखोगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी मॉइस्चराइज़र, निविया का यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है। और जब भी आप नेचुरल लुक क्रिएट करते हो, मेकअप क्रिएट करते हो, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई कर लिया करें। मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इससे हमारी स्किन जो है वो डीपली मॉइस्चराइज हो जाती है। तो मॉइस्चराइज़र तो सभी लगाते होंगे, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अच्छे से इसको मैं लगा लूँगी, ये देख लीजिए इस तरह से, और पूरे फेस पे आपने इसे अच्छे से लगा लेना है। और अपने हाथों पे भी आप इसे लगा सकते हो, ये देख लीजिए इस तरह से अपने हाथों पे भी अपने मॉइस्चराइज कर लीजिए। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं ले लूँगी यहाँ पे लैक्मे की सीसी क्रीम। आप सीसी क्रीम ले लीजिए, बीबी क्रीम ले लीजिए, आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो, आपके फेस पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नेचुरल लुक ये आपको देगा। लेकिन आपने फाउंडेशन को रेगुलर यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी आपने फाउंडेशन को रेगुलर यूज़ नहीं करना है, इससे आपके फेस पे पिंपल निकल सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आपके फेस पे हो सकती है। तो रेगुलर कभी भी आपने फाउंडेशन को यूज़ नहीं करना है, आप जो है वो इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा केमिकल नहीं होते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी बिल्कुल नेचुरल लुक आएगी। उसके बाद आप कॉम्पैक्ट को यूज़ कर लीजिए या फिर आप लूज़ पाउडर को यूज़ कर लीजिए, इससे भी जो है वो आपका मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगेगा, कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल नेचुरल लगेगा। और बिल्कुल थोड़ा लगाना है, ये नहीं कि आपने इसे ज़्यादा लगाना है, बिल्कुल थोड़ा लगाना है। उसके बाद अपने आईब्रो को सेट कर लीजिए, बस थोड़ी सी आपने आईब्रो को सेट कर लेना है, ये देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो को सेट कर लूँगी। आईब्रो को सेट करना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं उससे हमारी आईब्रो क्या हो जाती है, थोड़ी लाइट कलर में आ जाती है। तो थोड़ा सा आप इसे डार्क शेड दे सकते हो और बिल्कुल नेचुरल ये आपकी आईब्रो ही लगेगी। उसके बाद इसे सेट कर लीजिए। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्केच आई लाइनर लूँगी और इसे लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी, बिल्कुल हल्की सी लाइन लगाऊँगी, डार्क नहीं लगाना है। आई लाइनर आप रेगुलर यूज़ नहीं भी करो तब भी चलेगा, नेचुरल लुक में तो आईलाइनर नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे कर्ल कर रही हूँ मैं, इससे ना लैशेस बहुत अच्छी लुक आती है, तो इसे आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, इसके साथ कर्ल करोगे। उसके बाद आप मस्कारा लगा लीजिए, अगर आप आईलाइनर नहीं भी लगाते हो और आप मस्कारा लगाते हो तो बहुत अच्छी लुक इसके साथ बिल्कुल नेचुरल लुक आती है। साथ में आप आई शेडो को स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लगा लिया है मस्कारा और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लाइट शेड की न्यूट लिपस्टिक ले लूँगी और ये देख लीजिए वही मैं चीक बोन पर लगा लूँगी। और आपने बिल्कुल लाइट शेड में लेनी है या फिर आप लिप ग्लॉस भी लगा सकते हो, वही आपने चिक बोन पे लगा लीजिए। डार्क शेड की आपने बिल्कुल भी, अगर आप रेगुलर मेकअप करते हो तो आपने डार्क शेड की बिल्कुल भी रेगुलर यूज़ नहीं करनी है, इससे आपकी बिल्कुल नेचुरल लुक नहीं आएगी। अगर आप मेकअप नेचुरल चाहते हो तो बिल्कुल लाइट शेड में लगाएं और उसके बाद कोई भी हेयर स्टाइल बना लीजिए। अगर आप ओपन हेयर छोड़ना चाहते हैं तो आप ओपन हेयर में बिल्कुल ओपन हेयर छोड़ सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा अपने बालों को ट्विस्ट करके इस तरह से भी आप अपने बालों को बना सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरी नेचुरल लुक देख सकते हो, कोई भी ज़्यादा मेकअप नहीं है, बिल्कुल नेचुरल लुक है। और इस तरह से आप मेकअप रेगुलर कर सकते हो। और साथ में अगर आप रेगुलर स्किन केयर करते हो ना तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखते हो तो आपकी वैसे ही स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाले प्रोडक्ट तो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, इसमें तो आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप वर्किंग हो या फिर आप घर पर भी रहते हो तब भी आप इस मेकअप को कर सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए रही होगी मेरी हेल्पफुल। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ।